साइकिल हमने लिए है, ये यहाँ पे पीछे बैग रख के और मैं अपनी दुकान का सामान वगैरह जो है ना पीछे रख के। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक सालह औलाद अता फरमाए और हम सब के जो बड़े बुज़ुर्ग जितने भी रिश्तेदार फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। पीछे मैंने पंखा रखा हुआ है घर में, तो वो क्योंकि मैं लेके आया था फिर रख दिया था, तो वजह ये बनी थी क्योंकि बाबा जी का जो कैंसर के पेशेंट थे उनका इलाज करवाने की वजह से मैं उधर मसरूफ़ था, तो पंखा मैंने जो है ना अपने घर में रख दिया था। मस्जिद में नहीं रखा था, अपने घर में ही रख दिया था। तो आज जो है ना काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो है ना अंदर का हम काम निपटा रहे हैं, बिजली वगैरह का, और जो है ना पंखा वो भी हम लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह पंखा लेते हैं फिर मस्जिद चलते हैं। माशाल्लाह से ये हमारी मस्जिद है और पंखा हम अंदर जो है ना वो भाई साहब आए हुए हैं जो बिजली का काम करते हैं। तो ये जो है ना दीवारें ये भी बड़ी करनी है, इन्हें शहीद कर देंगे बाद में जो है ना इंशाल्लाह। ये जो दीवार है इनको हमने डबल करनी है क्योंकि यहाँ पे और हमने जो है ना डोर में ले आया था तो यहाँ पे डोर लगना है। दीवारें डबल होंगी तो जो है ना डोर फिट होगा, अदरवाइज़ ये जो है ना फिर से गिर जाएगा। इसका वो ले आए ये रहती है अलमारी, तो यहाँ पे कुरान मजीद बैठे रहते हैं। यहाँ पे जो है ना ये देखिए ये धूल काफ़ी ज़्यादा आके बैठ जाती है तो अंदर आ जाती है। तारें वगैरह ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मुकम्मल जो है ना मस्जिद का काम हो जाए, जो बिजली का काम है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा ख़त्म थी भी है भाई साहब कह रहे हैं ये जो तार लगी हुई थी तो ये तो ख़त्म है तो न्यू लेनी पड़ेगी। कितना न्यू लेने पड़ेगी ये मुझे बता दो। 18-20 गज लेनी पड़ेगी। तो मस्जिद का मीटर जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे। तो ये तार जो वो कह रहे हैं वो भी कहता है न्यू लेनी पड़ेगी। लाइट खराब हुई हुई है मस्जिद की पूरी, तो कोई बहन भाई मस्जिद के काम का हिस्सा बनना चाहता है, अपना हिस्सा डालना चाहता है तो जरूर साथ दीजिए। पंखा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से वो लग गया है। बिजली का बाकी काम है, मस्जिद का अलमारी है और साथ जो है ना फर्श है, कलीन है, ताकि नमाजी जो है ना आराम से नमाज पढ़े। बस ठीक है। अच्छा भैया जय करो उनको ला लो उन दो भी दो उन साथ कर दो ठीक के ला भी नो ठीक है ठीक है एक बटन तो दूर चल रहा कम मजबूत थिया बनिया ठीक है बटन तो दूर चल से जय ये पता कह नहीं उनका फार्म कहने के ये तार एक बटन दे लो ये पक्का ये तार दे लो। अच्छा पहले ला के सुन पहले चेक करे सुन बाद में ठीक है शापर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अंदर का और बाहर का ये पता चल जाए ना। 5500 5500 5500 5000 तक
मतलब के हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। चले इंशाल्लाह, क्योंकि मस्जिद का काम है ना, मैं चाहता हूँ बेस्ट है, बेस्ट हो। नहीं वो बैर की तार है ना, वो अच्छे वाली लगाना। चलो अच्छे अच्छे वाली आपने बताई है, चलें ये भी ठीक है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कॉलेज भी ओपन हो गए हैं, कॉलेज के बाद फिर जो है ना मैं आके दुकान पर बैठ जाता हूँ, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम मुल्तान के साथ साथ रहते हैं, इधर तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहरहाल गर्मी सर्दी हमने तो जो है ना अपना काम तो करना है, तो इसलिए मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। मैंने ये छोटी सी जो दुकान है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और अपनी स्टडी के लिए, और अपने बहन भाइयों के लिए बनाई है, तो अल्लाह पाक इस छोटी सी दुकान में अल्लाह पाक जो है ना बरकत अता फरमाए, मेरे लिए भी दुआ की। और कुछ नहीं, हमारी टेस्ट शीटें निकल आती हैं और पेंसिल कलम छोटे बहन भाइयों के लिए माशाल्लाह से, सिस्टर भी 10 में पढ़ रही है, भाई भी 10 में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, तो और घर के राशन भी हमारा यहीं से निकल आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ पकाने के लिए ना हो तो मैं अपनी ही दुकान से दाल उठा के सिस्टर को दे देता हूँ। भाई माशाल्लाह से बर्फ़ लेने गया था तो ये बर्फ़ ले आया है, क्योंकि मैंने इन्हें इसको 10 रुपये दिए थे, मैंने कहा जाके बर्फ़ ले आओ, तो माशाल्लाह से। हाँ जी गर्मी बहुत है भाई ना, गर्मी तो है मेरे भाई, गर्मी तो है। रुक जा यार, रुक जा, खड़ खोल एक लो, बर्फ़ सारी की सारी पिघली जा रही है, बस साइकिल इधर ही रहने दो। तो ये साइकिल हमने लिया है ना, हम मार्केट से भागते हुए साइकिल पे सामान जो है वो भी लेते हैं। तो भाई जो है ना माशाल्लाह से स्कूल के लिए यहाँ पे पीछे बैग रख के, और मैं अपनी दुकान का सामान वगैरह जो है ना पीछे रख के तो लेके आ जाता हूँ। तो अब जो है ना बर्फ़ लेने गया था भाई, माशाल्लाह से साइकिल मेरी ये खड़ी है जी, क्या ही बात है माशाल्लाह से। खाना बनाना है, तो मगरिब की अजान भी माशाल्लाह से हो रही है। तो भाई अब बर्फ़ चूँकि बर्फ़ ले आया, अब दुकान पर बैठेगा और मैं सिस्टर के साथ तंदूर गरम हो रहा है तो इंशाल्लाह रोटी बनाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, मैं आपके लिए हमेशा हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।